हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं यहां पर सिलेक्शन मेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो जो क्लास है हमारी, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो थर्ड प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे जनरल स्टडी का, ठीक है। तो जनरल स्टडी के लिए अगर देखा जाए तो ये तीसरा सेट है जिसमें से एक प्रैक्टिस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो कुल मिला करके ये चौथा सेट होगा आपके लिए, ठीक है। मॉडल में अगर देखा जाए, मॉडल प्रैक्टिस सेट में अगर देखा जाए तो ये थर्ड सेट है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सेट्स हैं और जैसा कि ये किरण पब्लिकेशन का है तो उसी के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा ये। चलिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन डकैती हुई थी, तो इसका ईयर पूछा जा रहा है किस वर्ष ये डकैती हुई थी। तो ये डकैती हुई थी 1925 में। कब हुई थी ये डकैती? हुई थी 1925 में और डेट थी इसकी 9 अगस्त। तो आपको डेट भी याद रखनी है, 9th अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस जो है वो किया गया था और इसमें जो है पैसे की लूटपाट करके जो क्रांतिकारी थे उससे बॉम्ब खरीदने का प्रयास कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, क्वेश्चन नंबर टू है और इसका आंसर है सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर टू का क्वेश्चन पूछा गया था भारत की पहली महिला राज्यपाल, स्वतंत्र भारत की, तो सरोजनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और इन्हें जो है 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक जो है ये उत्तर प्रदेश का, यूपी का, ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। तो ये इनका कार्यकाल भी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा आ रहा है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है, एसिड रेन। अम्ल वर्षा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो इसके लिए उत्तरदायी तत्व पूछा गया है, तो इसके लिए उत्तरदायी तत्व है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये मिलकर के अम्ल वर्षा के लिए दोनों इंपॉर्टेंट कारण है। वायुमंडल में पानी के साथ, पानी के जो कण होते हैं, पानी के जो अणु होते हैं, उनके साथ मिलकर के ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके अम्ल बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जलवाष्प के साथ मिलकर के रिएक्शन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप कीजिएगा अगले क्वेश्चन के देते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन किया जा रहा है फीफा का मुख्यालय कहाँ है। इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, FIFA। इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो फीफा का आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म मैं पीछे की क्लास में भी बता चुका हूँ, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है, हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय है वो ज्यूरिख में है। कहाँ पर है? ज्यूरिख में, ठीक है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये फीफा जो है वो वर्ल्ड कप फुटबॉल को जो है वो कंडक्ट कराने की एक संस्था है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है इनमें में से कौन विद्युत रोधी है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपको विद्युत रोधी यानी जिससे कि विद्युत बिल्कुल भी होकर गुजरता ना हो, तो कौन विद्युत रोधी है, इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें मरकरी, कांच, बर्तन, कार्बन और जर्मेनियम लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है कांच। कांच जो है वो उपयुक्त विद्युत रोधी है। क्वेश्चन नंबर छः की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है, तो ये पत्थरों का स्वप्न किसे कहा जाता है, चार मीनार, अजंता गुफा, सांची स्तूप या पंचमहल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ड्रीम इन स्टोन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रीम इन स्टोन। तो ड्रीम इन स्टोन जो है ये कहा जाता है पंचमहल को। किसको कहा जाता है? पंचमहल को। और पंचमहल जो है इसका निर्माण मुगल सल्तनत काल में किया गया था, अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसी तरीके से ड्रीम ऑफ मार्बल पूछा जाता है, ड्रीम इन मार्बल, तो ड्रीम इन मार्बल जो है वो ताजमहल को कहा जाता है, ताजमहल, ड्रीम इन मार्बल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जियोलाइट क्या है, व्हाट इज जियोलाइट, जियोलाइट क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान, यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट है, जल योजित कैल्शियम सल्फेट है, या फिर निर्जलीकृत एल्युमिनियम सल्फेट सिलिकेट है, या निर्जलीकृत कैल्शियम सल्फेट है। तो सबसे पहले तो इसका करेक्ट आंसर है जल योजित एल्युमिनियम सिलिकेट है। क्या है ये? जल योजित एल्युमिनियम सिलिकेट। तो जियोलाइट जो है वो एल्युमिना और सिलिका का टेट्रा कह सकते हैं, टेट्राहेड्रा जो डायग्राम जो होता है उसको कंडक्ट कराता है, उसके जुड़ने से बनता है। तो इसको चतुष्फलक कह सकते हैं एक तरीके से, उससे उसके उससे मिलकर के बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत, विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, मोटर वाहन उद्योग, घरेलू अपशिष्ट या वायुयान। तो इसमें सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है मोटर वाहन। ठीक है, तो व्हीकल्स के जो धुएं होते हैं, वो धुआं होता है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रदूषण का कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी का क्वथनांक जो है वो निर्भर करता है, पानी का क्वथनांक जो है वो निर्भर करता है, बॉइलिंग पॉइंट जिसको आप बोल सकते हैं, वायुमंडलीय दाब पर, आयतन पर, घनत्व पर, या द्रव्यमान पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका करेक्ट आंसर है पहला। ठीक है, जल के, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर है वायुमंडलीय दाब। तो अगर हम जल के क्वथनांक की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा तापमान, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो जल है वो, जल का जो मतलब जो दाब है वो आसपास के वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब जल का जो क्वथनांक है वो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, दाब घटेगा है ना, दाब घटेगा बढ़ेगा तो इससे जो है पानी के क्वथनांक पे भी फर्क पड़ेगा। बाय द वे, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम पर्वतों पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो वायुमंडलीय दाब घटने से क्या हो जाता है, जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी ड्रॉप हो जाता है। और अक्सर आपने सुना होगा इसी वजह से पहाड़ों पर जो भोजन है वो काफ़ी देर में पकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित जो मरुस्थल है वो मजोग है। ठीक है, स्वर्ण भंडारित जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ये यूएसए का है, मजोग मरुस्थल। ठीक, हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालय को मोड़दार पर्वत, या इसको हम लोग वलित पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, वलित पर्वत, वलित पर्वत, इसको वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन्स के रूप में भी इनको जाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के दौरान जब आपका एशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब जाके टकराती है तो बीच में मोड़दार पर्वत बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर आपतन की राशि निर्भर करती है, सॉरी, आतपन की राशि, आतपन मतलब इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन, इंसुलेशन की जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है, अमाउंट ऑफ हीट जो है कमिंग फ्रॉम सन टू द अर्थ सरफेस, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये राशि किस पर निर्भर करती है, तो ये राशि निर्भर करती है उसके अक्षांश पर। मतलब अगर ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये सन है, तो सनलाइट जो पड़ रही है, जैसे ये जो सनलाइट पड़ रही है और ये जो सनलाइट पड़ रही है, इस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, और यहाँ पर डिग्री जो है वो कम हो जाती है, यहाँ पर ये डिग्री और ज़्यादा कम हो जाती है। तो जैसे जैसे ये अक्षांश बदलते जाएंगे वैसे वैसे जो है इसका इंसुलेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होता चला जाएगा। तो अक्षांश बदलने पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इंसुलेशन कम होगा, एंगल यहाँ पर 90 से कम होता जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से सीधा हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये एंगल कम होता जाएगा वैसे वैसे इसका जो इंसुलेशन है वो भी घटता चला जाएगा। ठीक है, ओके। जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव होता है।
देखिए, जलोढ़ मतलब जल जल द्वारा लुढ़का कर लाई गई मिट्टी, एलुवियल सॉइल होती है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो ह्यूमस और नाइट्रोजन जो है वो नहीं मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ह्यूमस और नाइट्रोजन जो है इसमें नहीं मिलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेके। तो मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहली बात तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था और 1976 में, कब 1976 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, 42nd अमेंडमेंट 1976, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इस दौरान जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वें संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए, बांस को वर्गीकृत किया जाता है, तो बांस जो है इनमें में से एक प्रकार की घास है, ग्रास है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये सबसे बड़ी ग्रास है, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, लक्स मीटर को लक्स, यहाँ पर क्वेश्चन जो है प्रकाश उपकरण की तीव्रता को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इत्तेफाक से लक्स मीटर ही हमारा जो है मुंह से पहले ही आंसर आया। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, उपकरण प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता को, इंटेंसिटी को नापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। लक्स मीटर प्रदीपन की इकाई है, एल एक्स करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एल एक्स। भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है, भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है, तो भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है सीसा, ठीक है, लेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, सॉरी 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था। व्यावसायिक बिजनेस पर्पज से अगर देखा जाए तो यूज़ किया जाने वाला पहला हमारे पास में कंप्यूटर जो था वो था यूनिवैक, कौन सा था, यूनिवैक, यूनिवर्सल, यूनिवैक में UNIV, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और A फॉर ऑटोमेटिक, C फॉर कंप्यूटर, और UNIV मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था, ठीक है। काफ़ी आगे चली गई स्लाइड ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखिए, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो अमरकंटक के पठार से निकलती भैया नर्मदा नदी, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा है वेस्ट फ्लोड रिवर कौन सी है, तो वेस्ट फ्लोड रिवर एक तो नर्मदा है और दूसरा है ताप्ती, दोनों एक दूसरे की बहन कहलाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती ये जो दो नदियां हैं ये दोनों वेस्ट फ्लोड रिवर है, पश्चिम की ओर बहती हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो नर्मदा का उद्गम स्थल है ये नर्मदा कुंड है, नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है, नर्मदा कुंड, और नर्मदा कुंड जो है ये आपको अमरकंटक की पहाड़ी में मिलेगा, ठीक है। अनूपपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का, अनूपपुर जिला, वहाँ से निकलती, ठीक है। चलिए थॉमस कप की बात कर लेते हैं, थॉमस कप संबंधित है, थॉमस कप भाई संबंधित है, थॉमस कप जो संबंधित है ये ये संबंधित है बैडमिंटन से, किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से, बैडमिंटन में थॉमस कप इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व कह सकते हैं कि बैडमिंटन संघ की तरफ से इसका प्रदर्शन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विश्व विकास रिपोर्ट
विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR इसको कह सकते हैं आप, ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो विश्व विकास रिपोर्ट जो है WDR जो है 1978 से प्रकाशित किया जाता है। पहली बात तो ये है 1978 से जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है, और इसको प्रकाशित करने की जो जिम्मेदारी है वो दो लोगों के पास में है, एक तो आपका विश्व बैंक के पास में है जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और दूसरा है IBRD, ठीक है, IBRD के पास भी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये जो दो संस्थाएं हैं ये दोनों संस्थाएं विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो उसको प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं, लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, 1951 के दौरान भारत की साक्षरता दर 18% थी। क्वेश्चन नंबर 22 जो है यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है, उसके आधार पर आपको इसको स्टेटमेंट बताना है। तो पहली बात तो ये जो बात लिखी है क्वेश्चन नंबर 22 की कि 1951 के दौरान भारत की साक्षरता दर 18% थी, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। दूसरी बात, 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता 65.4 थी, ये भी बात सही लिखी हुई है। और 2018-19 के बजट आवंटन में शिक्षा की GDP लगभग 3.5% पर थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको इनको याद रखना है इसी तरह। अगला क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा RBI द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का देखिए यहाँ पे मात्रात्मक उपकरण की बात करी गई, मात्रात्मक, देखिए RBI जो है वो अपनी जो पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी RBI की जो पॉलिसी है इसको मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो है मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें RBI दो तरीके की पॉलिसी बनाता है, दो तरीके की पॉलिसी में एक होती है मात्रात्मक क्या नाम है कह सकते हैं कि एक इकाई होती है, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव क्वांटिटी के बेस पर क्वांटिटेटिव इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, और दूसरी होती हैं गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव, ठीक है, तो मात्रात्मक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मात्रात्मक में यहाँ पे पूछा रहा है लेकिन तो कौन सा RBI द्वारा प्रयुक्त धन आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि जो ऋण नियंत्रण के लिए मात्रात्मक उपाय जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बैंक रेट्स हैं, बैंकों की जो नीतियां हैं, दर की जो नीतियां हैं वो हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिसको OMO बोलते हैं, CRR है, SLR है, ये सब जो हैं आपकी प्रमुख रूप से ये मात्रात्मक उपाय हैं, ठीक है, मात्रात्मक उपाय के रूप में मुख्य रूप से इसको माना जाता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये RBI ये जो क्या नाम है आपका मार्जिनल जो रेशियो है ये आपका एक तरीके से गुणात्मक उपाय होता है, तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, बाकी सारे जो है वो हैं। निम्न में से कौन से धन के उदाहरण हैं, मुद्रा, नोट और सिक्के, ये है बचत खाता जमाएं, ये भी है सावधि जमाएं भी हैं, और चालू, देखिए चार के चारों जो हैं, आप देखते हैं इसके ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं, जितने सभी लिखा होगा वही आंसर इसको आ जाएगा, तो उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है, फिर से दोमट के बारे में आ गया है, या नाइट्रोजन से भरपूर होती है, गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं है, दोमट भारत में अत्यंत सघन एवं गहरी जनसंख्या की संरचना करते हैं, तो इनमें से सही कौन सा है, ऑप्शन आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 25 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर मुझे लगता है वो है दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं, गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं है, बिल्कुल आदर्श है, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं, तो इसमें पूछा है कौन सा कथन मृदा के बारे में सत्य, तो सत्य तो यही है फिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। वन नियमों के संशोधन में निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि वन नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो 26 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये तो बिल्कुल सही है।
उसके बाद बाघ परियोजना 1973, ये भी सही है। उसके बाद हाथी परियोजना 1992 एंड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1984, नहीं जी यही जो है वो गलत है, क्योंकि ये 1984 नहीं है, 1986 है, 1986। फिर पूछा गया अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो कितनी बार प्रधानमंत्री रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, 1 बार 13 दिन की सरकार बनी थी, 1 बार 13 महीने की सरकार बनी थी और 1 बार 5 साल की सरकार बनी थी, 5 ईयर्स की। तो इस तरीके से 3 सरकारें अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है दलहन की खेती के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, कम नमी की आवश्यकता होती है, शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, भारत में दालों के आयात से ज़्यादा निर्यात होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन कौन कौन से सही हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कम नमी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, और शुष्क परिस्थितियों में रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात गलत है, इसका मतलब ऑप्शन जो है थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है, तो न्यूनतम वर्षा तो भाई इधर अगर देखा जाए 29 के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए हुए हैं 4, कच्छ कारण, विदर्भ क्षेत्र, लद्दाख और जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर राजस्थान वाला हिस्सा है, ये जैसलमेर यहाँ है। गुज्जर एक देहाती समुदाय है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, गुज्जर जो समुदाय है ये गुजरात से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, माफ़ कीजिएगा गुजरात नहीं है, गुजरात नहीं, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, राजस्थान, गुजरात नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुआ, इसको सही कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न एशिया 2018 में भारत द्वारा प्राप्त कुल स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है, तो कुल प्राप्त स्वर्ण पदकों की संख्या भैया ये 2018 में जो हुए थे ये इसमें कुल प्राप्त स्वर्ण पदकों की संख्या है 15, कितनी है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया राणा प्रताप सागर विद्युत जल संयंत्र, सागर जल विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ पर है, ये नाम जो है ये राजस्थान है, प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। सूची 1 और 2 को मिलाना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है, तो मैं यहाँ पर मिलान कर दे रहा हूँ, बाकी कूट आप मिलाते रहिएगा। सबसे पहले बात करी गई है जस्ता यानी कि जिंक की, तो जिंक के लिए यहाँ पर आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान की जावर माइंस में चले जाइए, तो ये हो गया इसका करेक्ट वे। उसके बाद दूसरी बात आ रही है आपकी सोना की, गोल्ड की, तो गोल्ड के लिए आपको कर्नाटक जाना पड़ेगा, कर्नाटक में कई सारी हैं, इसमें से एक हट्टी भी है, ठीक है, स्वर्ण हट्टी। उसके बाद अगला है क्रोमाइट, तो क्रोमाइट के लिए आपको जाना पड़ेगा, क्रोमाइट के लिए आपको जाना पड़ेगा सुकिंदा के पास, कहाँ पे जाना पड़ेगा, सुकिंदा के पास। और पायराइट के लिए आपको जाना पड़ेगा, पायराइट के लिए आपको जाना पड़ेगा अमझोर। तो बस इस प्रकार की मैचिंग आप देख लीजिएगा इस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संबंध में भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर, 34 क्वेश्चन नंबर का। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर, जो राज्य दिए गए उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, ठीक है, तो ये उत्तराखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद जम्मू कश्मीर, ऐसे करके। चलिए आगे लिखते हैं, ऊतक जो पौधों के जल संवहन में मदद करता है, तो जल संवहन में मदद करने वाला जो ऊतक है वो है जाइलम, कौन सा है, जाइलम और फ्लोएम, जो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम बने हुए खाने को, भोजन, भोजन को जो है वो डिफरेंट पार्ट में पहुँचाता है, और जाइलम जो है भोजन बनाने के लिए आवश्यक तत्व को पत्तियों तक पहुँचाता है। इसके बाद अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी किरणों की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, लेकिन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से सही नहीं कौन सा है। अवरक्त की तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी विकिरणों से अधिक होती है, सही है।
पराबैंगनी की तरंग दैर्ध्यता दृश्य प्रकाश से कम होती है, ठीक है। दृश्य प्रकाश की फोटान ऊर्जा अवरक्त प्रकाश से अधिक होती है, भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है, एक ही बचा फिर, पराबैंगनी की फोटान ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है, तो ये वाला गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रातः या सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यह रक्तिम दिखाई देता है। रक्तिम का यहाँ मतलब होता है लाल से, रक्तिम दिखाई देने का मतलब होता है लाल दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना है, इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना है जो उसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का कई रंगों में बढ़ जाना। इसमें से आपको मालूम है रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जो वायलेट कलर होता है या जो नीले से मिलते जुलते कलर होते हैं उनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो तरंग दैर्ध्य कम वाले जो होंगे वो अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग में दिखाई नहीं देंगे, और जो दूर तक दिखाई देगा वो होगा रेड कलर, इसीलिए मॉर्निंग और इवनिंग में जो सूर्य हमारा वो रेड दिखाई देता है। प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में असत्य कथन को चुनना है, तो प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में अगर देखा जाए तो पहला लिखा है प्रकाश के परावर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व दिखने लगता है, और वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देता है, तो बिल्कुल सही बात लिखी है। दूसरा लिखा है मृग मारीचिका गर्म वायु की परतों के बीच प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बनती है, ये भी सही है। एक प्रेक्षक एक इंद्रधनुष को केवल तब देख सकता है जब सूर्य उसके कंधों पर 90 डिग्री पर हो, तो 90 नहीं ठीक पीछे होना चाहिए, 180 डिग्री पर होना चाहिए, तो यही कथन गलत है। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, थर्ड, केवल तीन नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, असत्य कथन जो है यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे में विचरण नहीं करती हैं, ध्वनि तरंगे निर्वात में विचरण नहीं करेंगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ध्वनि तरंगे जो है वो किसी में विचरण नहीं कर सकती हैं, चल नहीं सकती हैं। तो निर्वात में लकड़ी का खोखला पाइप, कुछ भी हो, खोखला पाइप हो, किसी चीज़ किसी भी का भी हो, पर है निर्वात, इसलिए वहाँ पर नहीं चलेंगी, जो आपको ध्यान रखना है, इसकी करेक्ट आंसर यही है। और लास्ट क्वेश्चन है पाराध्वनिक तरंगे का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती हैं, किसका प्रयोग करके, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय, दाब विद्युत का प्रयोग करके बनाई जाती हैं, ठीक है, दाब विद्युत प्रभाव का प्रयोग करके बनाई जाती हैं, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो बेटा ये जनरल स्टडी के 40 क्वेश्चन जो थे वो हमने अभी सॉल्व किए, और ये प्रैक्टिस सेट था हमारा, मॉडल प्रैक्टिस सेट देखा जाए तो थर्ड था इसका जीएस सेक्शन, और जल्द ही जो है आपके रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट आया था, अन्य प्रैक्टिस सेट वो क्रम से फटाफट से आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से आप बने रहिए। आपके सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, इसके बारे में ज़रूर बताया करिए, और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस हैं, आपके कोई सुझाव हैं, सलाह हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, हम उन्हें फॉलो करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी वैल्यूबल कमेंट करिएगा उनका वेलकम। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।